विजिट वीज़ा पे आने पे या टूरिस्ट वीज़ा पे आने पे उनको सिम कार्ड नहीं मिल रहा है, तो सिम कार्ड के बारे में बताओ कि क्या करना चाहिए दुबई का सिम कार्ड लेने के लिए। सबसे पहले किसी ने पूछा कि वैक्सीनेशन रिपोर्ट दिखाएं दुबई की, आ सकते हैं कि यहाँ पर सैलरी वगैरह आपको, पहले इंटरव्यू के बारे में बताओ कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, इंटरव्यू में सिकनेस वगैरह आपको फील हुई यहाँ पे? हाँ, दो तीन दिन हुई थी सर, घर की याद आई, घर की याद आई थी दो तीन दिन। हाँ, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। सो दोस्तों, आज फिर दुबई की जॉब से लेकर मैं एक और वीडियो बना रहा हूं, और आज की वीडियो में मेरे साथ एक सिविल इंजीनियर भाई हैं जो कि यहां पर विजिट वीज़ा पे आए थे जॉब सर्च के लिए, और अच्छी बात यह है कि 15 दिन के अंदर ही उनको जॉब ऑफर मिल चुका है। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल का बटन दबा दो ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो दोस्तों, ये है हमारे प्रिय रंजन भाई। तो प्रिय रंजन भाई, आप बताओ कि आप इंडिया में कहाँ से और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? जी सर, मैं इंडिया में बिहार से हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरी डिप्लोमा सिविल है। ओके, तो आप बताएं कि आपने इंडिया में, दुबई आने से पहले इंडिया में कितना एक्सपीरियंस लिया था और किस तरह का एक्सपीरियंस लिया था? 5 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस था इंडिया में, कंस्ट्रक्शन साइट जैसे कि मेजर ब्रिज, माइनर ब्रिज, बॉक्स कलवर्ट, ओके, लाइक एज रेलवे रोड। ओके, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस आप लेके आए हैं दुबई जॉब सर्च करने के लिए। ओके, तो प्रिया भाई, सबसे पहले तो अगर आप बात करें कि दुबई आने की, जैसे आप थोड़ा बताएं कि जैसे बहुत से लोग जानना चाहते हैं कई बार कि एयरपोर्ट पर आपके से एक डॉक्यूमेंट वगैरह क्या पूछे गए और कैसा रहा आपका सफ़र? डॉक्यूमेंट्स वही PCR टेस्ट 24 घंटा पहले, 48 आवर पहले कराना पड़ता है। उसके बाद एयरपोर्ट आने के बाद वहाँ पे एक RT-PCR टेस्ट होता है, रैपिड टेस्ट। ओके, और वीज़ा टिकट वगैरह कैसे आपने अरेंज किया और कितना खर्चा आया था? भैया तो सर मैंने आपसे बनवाया था, उसके बाद टिकट मैंने खुद से किया था, उसका 27,000 आया था। ठीक है, तो हाँ, वीज़ा आपको जो विद इंश्योरेंस जो है 18,000 समथिंग का पड़ा था। ठीक है, तो थोड़ा आप अब यहाँ पर आके आपकी जो जॉब, अभी थोड़ा जॉब सर्च के बारे में बताएं। सबसे पहले को बताओ कि जैसे दुबई आने पे सबसे पहले जो आपकी एकोमोडेशन का और खाने रहने का अरेंजमेंट वगैरह कैसे किया था? एकोमोडेशन तो यहाँ सर पार्टीशन है, मैंने रूम लिया था, उसका 400 दिरहम पर मंथ का उसका वो है, रेंट है। रेंट है, ठीक है। और खाने का वहाँ पे मेस भी है, लेकिन मेस से आप कर सकते हैं या फिर अपने खुद से भी वहाँ पे बना सकते हैं, किचन सारा अवेलेबल है वहाँ पे। तो कितना खर्चा आया था खाने का? खाने का वही सर 400 से 300 दिरहम के बीच में आता है। 300-400 दिरहम खाने का और 400-500 रहने का। जी सर, ठीक है। तो अब ये जो आपका रूम का जो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई वगैरह वो सब? उसमें वाटर, ड्रिंकिंग वाटर आपको इंक्लूड नहीं है। अच्छा। और बाकी वाटर इंक्लूडेड है और इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूड है और वाईफाई भी इंक्लूड है सर उसमें। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि 400 दिरहम में ही आपको कोई अलग से बिल नहीं देना है, बिजली पानी का या कोई इंटरनेट का कोई बिल नहीं देना है। नहीं, ठीक है। और बहुत से लोगों को जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम मैंने कुछ मेंबर्स की सुनी है, वो बोल रहे हैं कि उनको विजिट वीज़ा पे आने पे या टूरिस्ट वीज़ा पे आने पे उनको सिम कार्ड नहीं मिल रहा है, तो सिम कार्ड के बारे में बताओ कि क्या करना चाहिए दुबई का सिम कार्ड लेने के लिए, सबसे बेहतर तरीका क्या है? सिम कार्ड सर मिलता है पासपोर्ट पे, सिम कार्ड आपको मिल जाएगा पासपोर्ट पे, तो सिम कार्ड मिलता है, थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। तो कितने का आपको सिम कार्ड मिला? 100 दिरहम का मिला था सर। ओके, तो वो आपने कहाँ से लिया था, एयरपोर्ट से लिया था या? नहीं सर, वो मैंने एक मेरे रूम के पास एक मॉल है, उस मॉल से लिया था। अच्छा, मॉल में आप गए थे तो वहाँ से लिया। तो उन्होंने नहीं बोला कि आप टूरिस्ट हैं आपको नहीं मिलेगा? नहीं सर, डॉक्यूमेंट लिए उन्होंने, डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट लिया और ईमेल आईडी लिया। पासपोर्ट, ईमेल आईडी लिया और आपको सिम कार्ड दे दिया 100 दिरहम आपको लगे। उसमें आपको क्या क्या पैकेज मिला 100 दिरहम? उसमें 50 मिनट्स इंटरनेशनल और 50 मिनट्स यहाँ का लोकल और 2 GB नेट। ओके, सो ओके प्रिया रंजन, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन अभी दी है। थोड़ा सा जॉब सर्च पे जाने से पहले कि आपको जॉब कैसे मिली और जॉब सर्च के टिप्स वगैरह जानने से पहले, थोड़ा आप देखने वालों को बताओ कि बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि ICA अप्रूवल और वैक्सीनेशन, ये दोनों चीज़ों की क्या रिक्वायरमेंट है दुबई आने के लिए? सर इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि कोई इसके बारे में पूछता ही नहीं है। अच्छा, तो आपने वैक्सीनेशन कराई थी? मेरा दोनों डोज लग चुका था अगस्त में ही। ओके, आपने पहले लगा लिया था? पहले ही लग पर आपको एयरपोर्ट पे किसी ने पूछा कि वैक्सीनेशन रिपोर्ट दिखाएं दुबई के? नहीं सर, ऐसा किसी ने नहीं पूछा। और आपकी जो कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट थी वो चेक हुई यहाँ पे? हाँ, कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट सिर्फ चेक हुई थी एयरपोर्ट पे। वो भी दुबई एयरपोर्ट पे? फिर आने के बाद क्या हुआ? जैसे दुबई एयरपोर्ट पे आने के बाद वहाँ पे भी एक RT-PCR टेस्ट हुआ। ओके, तो टेस्ट के बाद आपको डायरेक्टली उन्होंने क्वारंटाइन वगैरह किया या डायरेक्टली आपको? डायरेक्टली मैंने रूम में आ गया सर, कुछ क्वारंटाइन नहीं हुआ। तो वो जो रिपोर्ट थी जो आने के लिए, आपके फ़ोन वगैरह नंबर वगैरह लिया उन्होंने कोई?
यहाँ का यूएई का नंबर चाहिए था, तो मैंने सर आपका नंबर दे दिया था यहाँ पे। ठीक है। और पासपोर्ट पे उन्होंने एक क्यूआर कोड डाला था, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाकर। ठीक है, ऑलराइट। तो थोड़ा अब ये तो हो गई आपकी जो ट्रैवल यहाँ पर आने का रहा, तो आपने रूम अकोमोडेशन वगैरह बता दिया कि आपने ऑलरेडी सेट कर लिया था। थोड़ा अब ये बताएं कि जैसे आपने जॉब सर्च वगैरह कैसे स्टार्ट किया? मैंने जॉब सर्च सर स्किलवी से स्टार्ट किया था, स्किलवी डोविजल इंडेड लिंक्डइन ओके गल्फ न्यूज़ ओके खलीज टाइम्स से स्टार्ट किया था सर। राइट। तो कैसे आप क्या क्या आपका रूटीन था जॉब सर्च का? रूटीन था सर, सुबह में 6 बजे से 10 बजे तक के पहले सारा मेल करने का, अपना सीवी डालने का सर, उसमें ये था अप्लाई करने का था सर। जी। और फिर बाकी के टाइम में दिन में क्या करते थे? बाकी के समय सर हम 2-3 दिन तक तो कंपनी विजिट नहीं किए थे, लेकिन 2 दिन के बाद हम कंपनी विजिट स्टार्ट करना ये कर दिए थे। ठीक है। तो ऐसे अभी आपको कितने कॉल जैसे 15 दिन में आए, और कुछ कई लोगों को फेक जॉब के भी कॉल आते हैं, थोड़ा बताएं देखने लगता कि उनको सर फेक भी कॉल आते हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जैसे हम डोविजल या इंडेड पे जैसे हम अपना प्रोफाइल बनाते हैं, वहाँ से कुछ फेक कंसल्टेंसी है, वहाँ से अपने मेरा डिटेल्स निकाल कर वहाँ से कॉल करना स्टार्ट करती है। अच्छा। तो कैसे बचना चाहिए फेक एजेंसी से? बचने के लिए सर वहाँ जाने के बाद कोई पैसा उनको पे नहीं करना है, इंटरव्यू के पहले या फिर कभी भी। जी। तो आपको भी ऐसी कॉल्स आए फेक इंटरव्यू के लिए, मैसेज आए? हाँ, मैसेज आए थे सर। और इसके अलावा और कितने आपको जैसे मैसेजेस कॉल वगैरह आए ये फाइनल ऑफर मिलने से पहले? 5-6 कॉल आया था सर 15 दिन में। ठीक है। तो अभी जो ये कंपनी जो है यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू हुआ, तो थोड़ा बता सकते हैं कि यहाँ पर सैलरी वगैरह आपको, पहले इंटरव्यू के बारे में बताओ कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए? इंटरव्यू में सर मेरे ब्रांच से क्वेश्चन थे, मैंने जो काम किया उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन थे सर। जी। उसके बाद सर जो मैंने मेरा एक ऑटो कैड था ये है, उससे रिगार्डिंग उन्होंने एक ड्राइंग बना के मुझे बोला कि बना के दो, मैंने उन्हें बना के दे दिया, उसके बाद उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। वेरी गुड। तो जो ऑफर लेटर है उसमें बताएं जरा कितना ऑफर आपको मिला? सर मेरा उसमें 5000 है। 5000 दिरहम आपको मिला है। और इसके अलावा और फैसिलिटी जो है, वीज़ा तो ऑफ कोर्स कंपनी देगी, और उसके अलावा फ्लाइट टिकट और फ्लाइट टिकट से मेडिकल है सर, एकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है सर उसमें। वेरी गुड। तो काफ़ी अच्छा पैकेज आपको मिल चुका है। तो अभी आपको दुबई आए कितने दिन हुए हैं? सर आज 20 के आसपास हो रहे हैं। वेरी गुड। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है कि 20 दिन के अंदर आपको अच्छी जॉब ऑलरेडी ऑफर मिल चुका है। सो कि प्रियंजन जी, एक बात और मैं देखने वालों के लिए बताना चाहता हूँ उनके एक्सपीरियंस के लिए, नॉलेज के लिए। तो दुबई में जैसे कि आप देखते हैं कि बिल्डिंग का एक्सपीरियंस तो ऑफकोर्स चाहिए, तो अगर इंडिया से कोई आना चाहते हैं सिविल इंजीनियर यहाँ पर, तो उनको अभी अगर वो नए हैं अभी अपना जो उन्होंने स्टार्ट किया है कैरियर सिविल इंजीनियरिंग का, तो उनको किस तरह का एक्सपीरियंस लेके दुबई आना चाहिए? उनको तो सबसे पहले यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, विला, ये सब का एक्सपीरियंस जरूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस जरूरी है। जी। उसके अलावा यहाँ पे सर लैंडस्केप का भी बहुत स्कोप है, क्योंकि मुझे यहाँ का पता चला कि यहाँ पे लैंडस्केप का भी हर एक जगह, हर एक पार्क में, हर एक बिल्डिंग में यहाँ पे ये होता है। हाँ, क्योंकि पूरा लैंडस्केप यहाँ का मैन मेड है, नेचुरल नहीं है, तो बहुत काम रहता है लैंडस्केप का भी हर एक बिल्डिंग में, और शायद मेंटेनेंस का भी बहुत स्कोप रहता है। मेंटेनेंस का भी स्कोप रहता है। हाँ, क्योंकि मैन मेड है तो पूरा मेंटेन करके रखना है। ठीक है। तो थोड़ा आप देखने वालों के लिए और कोई इन्फॉर्मेशन या कोई गाइडेंस देना चाहेंगे? अगर यहाँ दुबई आना है तो इंडिया में लैंडस्केप, बिल्डिंग का और विला का अच्छा सा एक्सपीरियंस लेकर 2 साल या 1 साल का आते हैं, तो यहाँ पर आपका करियर अच्छा रहेगा। ओके। प्रियरंजन, थोड़ा सा वीडियो के लास्ट में मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि जैसे आपकी जॉब हेल्प मेंबर हैं, तो आपको जो हमारी जॉब हेल्प मेंबरशिप है वहाँ से आपको क्या एक बेनिफिट हुआ या क्या उसको हेल्प मिली? सर मुझे ये बेनिफिट मिली, यहाँ आने से पहले यहाँ का सारी चीज़ें मुझे मालूम पड़ चुकी थी कि यहाँ कैसे जॉब सर्च करनी है, यहाँ कैसे अपने आप को इस माहौल में यहाँ पे डालना है, कहाँ पे मुझे बेड स्पेस लेनी है, कितने यहाँ पे अब मेरे बजट रहेंगे 3 मंथ के विजिट वीज़ा में, सारा चीज़ मैंने इससे आपके जॉब मेंबरशिप से पता चला। उसके बाद सर यहाँ जॉब सर्च करने के सारे टिप्स आपने दिए सर मुझे। ओके। और आपको जो CV फॉर्मेट वगैरह और भी कुछ हेल्प जो CV जैसे CV फॉर्मेट आपने सही कराया सर, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं सर, जैसे आपने हेल्प किया रेफरेंसेज इंटरव्यू के लिए। जी, बहुत सारी चीज़ें। ओके। तो बहुत अच्छी बात है प्रियरंजन, हमारे को भी बहुत खुशी है कि आपको हमारी हेल्प से कामयाबी मिली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। एंड आप दुबई की लाइफ में कुछ, लाइफ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? दुबई की लाइफ बहुत ही लग्जरियस है, अगर आप यहाँ आकर अगर 2 महीने रह जाएं तो आपको यहाँ जाने का मन नहीं करेगा। ये बात सही है, अगर जॉब लग जाए तो। हाँ, क्योंकि मैं भी यहाँ स्टार्टिंग में 1 साल के लिए आया था। स्टार्टिंग में 10 दिन दिक्कत होगा आपको, परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ मन लगने लगेगा धीरे धीरे। तो थोड़ा होम सिकनेस वगैरह आपको फील हुई यहाँ पे? हाँ, 2-3 दिन हुई थी सर। घर की याद आई थी 2-3 दिन। तो मतलब आपने मोटिवेशन बनाए रखा और
उसका आपको एक अच्छा जॉब सर्च कंटिन्यू किया था। जी जी जी, और आपने मोटिवेशन बना के रखा तो उसको आपको अच्छा रिजल्ट भी मिला। सो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल का बटन दबा के ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और साथ ही मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को उन भाइयों के साथ जरूर शेयर करना जो लोग दुबई आकर विजिट वीज़ा पर जॉब सर्च करना चाहते हैं। और अगर आपको दुबई आने के बारे में, दुबई की जॉब्स के बारे में या दुबई के विजिट वीज़ा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट। Oh,